हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दारा सिंह और आप देख रहे हैं डी एस पर। और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा रीटचिंग के बारे में, यानी कि अगर आपको डैमेज फोटो सही करना है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे टूल्स मैं आज आपको बताऊंगा जिन टूल की हेल्प से आप डैमेज फोटो या पुराने फोटो को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टूल्स थोड़ा सा डिटेल में समझाऊँगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ा सा लेंदी बने, इसलिए आप लोग इसे स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को डायरेक्ट। सो यहाँ पे मैंने ये इमेज लिए। सबसे पहले मैं यहाँ आपको टूल्स क्लियर कर दूँगा कि कौन कौन से टूल कैसे यहाँ पर काम करते हैं। इसके बाद मैं ये पूरी फ़ोटो आपको रिस्टोर करके यहाँ पर दिखाऊँगा। और जो काम मैं यहाँ पर करूँगा, ये मैं फोटोशॉप CC 2019 यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो CS6 और उसके बाद वाले जितने वर्जन हैं उन पे भी सेम काम ऐसे कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे टूल्स देखते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प ये इमेज को क्लोन करने के काम आता है। और आप यहाँ पे इमेज को क्लोन कर सकते हो। इसके अंदर आपको ब्रश मिलती है, बस सिंपली आपको यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्रेस करना है सैंपल लेने के लिए। अभी आप देखेंगे तो इस ब्रश के अंदर वो इमेज आ चुकी है। इसके बाद में कहीं भी अगर आप पेंट करेंगे तो इमेज डायरेक्टली ऐसे पेंट होगी जैसी वो ओरिजिनल इमेज होगी। मैंने अब एंडू किया। क्लोन स्टैम्प काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है यहाँ पे इमेज को ठीक करने के लिए। इसके अलावा और भी टूल्स हैं लेकिन हर टूल का अपना अलग यूज है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ऊपर यहाँ पे आएगा स्पॉट हीलिंग ब्रश, हीलिंग ब्रश। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हीलिंग ब्रश टूल को, क्योंकि ये क्लोन स्टैम्प की तरह काम करता है। मैंने यहाँ पे लिया हीलिंग ब्रश टूल। और इसमें आपको क्या करना है, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे सोर्स भी लेना है ऑल्ट के साथ में क्लिक करके। लेकिन यहाँ पे इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कलर को भी बैलेंस करता है, जो कि क्लोन स्टैम्प नहीं करता है। मैं आपको यूज़ करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ से सैम्पल लिया और पेंट किया इस जगह पर, तो ये ऑटोमेटिक उस कलर को भी वहाँ पर बैलेंस कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पर आता है स्पॉट हीलिंग ब्रश, यानी कि जो फर्स्ट वाला टूल है। स्पॉट हीलिंग ब्रश पूरी तरह से ऑटोमेटिक काम करता है, यानी कि इसमें आपको सोर्स भी नहीं लेना पड़ता है। आप डायरेक्टली यहाँ पे पेंट करो, ये ऑटोमेटिक सैंपल लेता है और उस पर पेंट करता है कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पे ऑल के साथ में कहीं भी प्रेस नहीं किया, कोई सोर्स नहीं लिया, डायरेक्ट इसने क्रैक को इस तरह से रिमूव कर दिया। ये देखिए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया हर एक टूल का अपना इम्पोर्टेंस यूज है, तो हम सारी जगह पे इस टूल को नहीं यूज़ कर सकते। जैसे अभी मैं यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें आप देखोगे ये इमेज को थोड़ा सा ब्लर कर दे रहा है यूज़ करने के साथ में। वहाँ पे क्रैक तो हट जा रहा है लेकिन तब भी थोड़ा सा पता चल रहा है, वो हल्का सा ब्लर हो गया एरिया। तो ऐसे में सबसे बेस्ट है यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल, क्योंकि हीलिंग ब्रश टूल इसमें आप सोर्स लेते हो तो ये उस टेक्स्चर को भी दूसरी जगह पर पेंट करता है जहाँ भी आप उसको पेस्ट कर रहे हो। जैसे मैंने ऑल्ट के साथ में यहाँ से सोर्स लिया क्योंकि यहाँ पे फोटो का टेक्सचर है। अब अगर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ तो उस टेक्सचर को भी उस जगह पे पेंट करेगा, तो इमेज थोड़ा सा नेचुरल लगेगी। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा आपको फर्क नज़र आएगा। अगर आप पूरी फोटो पे काम करोगे, पूरी फोटो में काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, तो यहाँ पर अगर आप स्पॉट हीलिंग ब्रश के साथ में अगर पूरा काम करते हो तो फोटो आपकी ब्लर हो जाएगी, बहुत अजीब लगेगी। अगर आप हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप टेक्सचर को रिकवर कर पाओगे, तो इमेज ज़्यादा नेचुरल लगेगी। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल को ज़्यादा यूज़ करें और इसके साथ में क्लोन स्टैम्प, उसका भी काफ़ी यूज़ होगा। इसके बाद में आगे यहाँ पे आता है पैच टूल। मैं इसका यूज़ आपको दिखा देता हूँ। पैच टूल यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल की तरह काम करेगा। इसमें आपको सोर्स लेना पड़ेगा और दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट करता है इमेज को और ऑटोमेटिक कलर को भी बैलेंस करता है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हीलिंग ब्रश टूल में आपको एक ब्रश मिलती है, पैच टूल में आपको सिलेक्शन मिलता है। आप किसी एरिया पे सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद में आप उसको सोर्स दे सकते हो कि कौन सी इमेज वहाँ पे पेस्ट होके जाए। तो मैंने इसको ड्रैग किया, ये हम सोर्स इसको दे रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए। मैंने यहाँ से टेक्स्चर लिया, अभी आपको कलर अलग दिख रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक छोड़ूंगा वो ऑटोमेटिक कलर को बैलेंस कर देगा कुछ इस तरह से। डीसेलेक्ट, तो बटन पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा।
तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। थोड़ा सा बड़े एरिया पे अगर आपको काम करना हो, एक बार में अगर आपको कोई चीज़ रिमूव करनी हो तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद में आता है कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये यहाँ पे चीज़ों को एक्सचेंज करने के काम आता है, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के आप प्लेस को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो कुछ इस तरह से। इसके अंदर भी आपको सिलेक्शन मिलेगा, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसके अंदर मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ। तो अभी आपको दोनों जगह पे वो बटन दिख रही होगी, जैसे मैं क्लिक छोड़ूंगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आएगा, सिलेक्शन भी आएगा। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो जिस जगह से हमने यहाँ पे बटन को उठाया था वहाँ से बटन रिमूव हो जाएगी और दूसरी जगह पे वो ऐड हो जाएगी। तो ये है कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो रीटचिंग में हालांकि उतना ज़्यादा इसका यूज़ अभी नहीं है, मैं यहाँ पे जो मेन काम करूँगा वो यहाँ पे यूज़ करूँगा हीलिंग ब्रश टूल और साथ में क्लोन स्टैम्प और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल भी। तो यहाँ पे मैंने आपको टूल्स का इंट्रोडक्शन दे दिया कि टूल्स यहाँ पे कैसे काम करेंगे। अब आते हैं डायरेक्ट फोटो के ऊपर, फोटो को मैं यहाँ पे रिकवर करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैकग्राउंड लेयर का आप डुप्लीकेट बना लीजिए जिससे कि ओरिजिनल फाइल में कुछ भी चेंज ना हो। कई बार हमें ओरिजिनल फाइल की भी ज़रूरत पड़ती है अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाता है या ज़्यादा चेंज हो जाता है तो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस के जो क्रैक हैं उनको रिमूव करूँगा जिससे कि डिटेल में हम काम कर सकें फेस के ऊपर, बाकी बैकग्राउंड पे हम नॉर्मली वर्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हीलिंग ब्रश टूल और ये जो क्रैक है इनको मैंने यहाँ पे हटाया टेक्सचर को रिकवर करते हुए। ऑल्ट के साथ में सैंपल लिया और यहाँ पे मैंने किया पेंट। सोर्स आपको हर बार चेंज करते रहना है, आप सेम सोर्स एक ही जगह पे या अलग जगह पे पेंट मत कीजिए वरना वो रिपीटेड आपको नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्पॉट और ये स्पॉट दोनों आपको सेम नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए हमेशा अपना सोर्स चेंज करते रहिए। और साथ में ब्रश के साइज़ को भी आप चेंज कीजिए, ऑल्ट के साथ क्लिक सैंपल, बाकी यहाँ पे पेंट। छोटे छोटे एरिया पे काम कीजिए, आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा बोरिंग है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको ऐसे ही इसको करना पड़ेगा तभी आप डिटेल में वर्क कर सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी करेंगे या कोई और टूल यूज़ करेंगे तो वो फिनिशिंग नहीं मिल पाएगी जो आप चाहते हो, तो इसीलिए थोड़ा सा सब्र के साथ में काम कीजिएगा तभी आप फ़ोटो को थोड़ा रियलिस्टिक यहाँ पे रिकवर कर सकते हो, वरना आपकी फ़ोटो ख़राब हो जाएगी। अभी जैसे यहाँ पे आइज वाला पोर्शन है मैं ये आपको करके दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा कैसे मैं इसको रिकवर करता हूँ। सबसे पहले इसका क्रैक हटाएंगे, फ़ोटो काफ़ी पिक्सेलेटेड है, मैं बहुत ज़्यादा जूम नहीं कर सकता लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे इसका क्रैक सही करना है। तो मैंने सैंपल लिया ऑल्ट के साथ में और इसका क्रैक रिमूव किया। कई बार डैमेज फ़ोटो को सही करते समय या उसका क्रैक हटाते समय उसके अंदर की जो ओरिजिनल डिटेल होती है इमेज की वो भी कई बार चली जाती है, तो हमें उस डिटेल को भी रिकवर करना पड़ता है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे मैं यहाँ पे आइज़ को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे आपको क्रैक दिख रहा होगा, बहुत छोटे एरिया में है लेकिन अगर मैं उस पर काम कर रहा हूँ तो इमेज की बाकी डिटेल चली जा रही है, जो उसकी आइज़ का डिज़ाइन है वो सब थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। तो अभी मैंने इस तरह से यहाँ पे इसका क्रैक रिमूव किया है आइज़ का। डिटेल को थोड़ा सा सही करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओ, आपको इसमें ये तीन टूल मिलेंगे, डॉस टूल, बर्न टूल, स्पंज टूल। ये तीनों टूल काम कैसे करते हैं पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं डॉस टूल। डॉस टूल इमेज को ब्राइट करने के काम आता है। मैंने यहाँ पे डॉस टूल लिया और इन तीनों ही टूल में आपको ब्रश मिलेगी, ऊपर यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग मिलेगी जैसे कि एक्सपोजर है या मीडियम टोन या हाईलाइट पे, किस पे आप पेंट करना चाह रहे हो। तो एक्सपोजर मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 50% है, मैं पेंट करके दिखाता हूँ ये इमेज को इस तरह से ब्राइट करेगा जितना आप एक्सपोजर इसका सेट करोगे कम या ज़्यादा।
इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ बर्न टूल, तो ये इमेज को यहाँ पे डार्क करेगा कुछ इस तरह से, जितना आप यहाँ पे इसका एक्सपोजर सेट करके रखोगे। लास्ट इसमें आता है स्पंज टूल। स्पंज आपकी इमेज को डीसेचुरेट या सेचुरेट करेगा, जो भी आप यहाँ पे चूज़ करके रखोगे। जैसे अभी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है डीसेचुरेट, अगर मैं अभी यहाँ पे ब्रश को चलाता हूँ तो ये इमेज को डीसेचुरेट करेगा, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। और अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ सेचुरेशन, तो ये इमेज में सेचुरेशन थोड़ा और बढ़ाएगा कुछ इस तरह से। तो ये थे यहाँ पे तीनों टूल जो आप रिटचिंग में यूज़ कर सकते हो डिटेल को थोड़ा सा रिकवर करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया डॉस टूल। डॉस टूल यहाँ पे इमेज के आउटलाइन को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, जो डिटेल चली गई है उस पर काम करने के लिए। ध्यान रखिएगा एक्सपोजर बहुत कम रखिएगा, बहुत हल्के हल्के से इस पर काम कीजिएगा। ज़्यादा एक्सपोजर अगर आप रखेंगे तो वो अलग से पता चलेगा स्ट्रोक ब्रश का। थोड़ा सा और बढ़ाया मैंने। इसके बाद में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बर्न टूल, बर्न आउटलाइन को थोड़ा सा डार्क करने के लिए, जो कि डिटेल में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है अभी। अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है तो आप इस काम को और अच्छे से कर सकते हो, इसीलिए हर एक काम के लिए स्केचिंग बेहद ज़रूरी होती है। अगर आप पेन टैप के साथ में काम कर रहे हो तो और अच्छे से आप इसको पेंट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इस इमेज को ठीक किया, थोड़ा सा इसके आईज़ को पेंट किया। अगर आप इसकी ओरिजिनल आईज़ को देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगी, काफ़ी क्रैक है, और ये रिकवर करने के बाद में। तो काफ़ी हद तक हमने यहाँ पे आईज़ को ठीक कर लिया है उसकी डिटेल्स को रिकवर करते हुए। इसी तरह से आप बाकी की इमेज को भी यहाँ पे सही करोगे। तो वापस मैं यहाँ पे आता हूँ हीलिंग ब्रश टूल पे, और इसको भी यहाँ पे ठीक करता हूँ। सबसे पहले सैंपल लिया, उसके बाद में पेंट। डार्क एरिया से सैंपल लिया क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर काफ़ी डार्क है। ये साइज पे भी वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रैक हटाऊंगा। इसके बाद में मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल पेंट करूँगा डॉस टूल और बर्न टूल के साथ में।
तो ये हो गया है कंप्लीट इस तरह से। थोड़ा सा ये पोर्शन मैं यहाँ पे सही करूँगा लिक्विफाई के साथ में। मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया, फिल्टर लिक्विफाई, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आयश को ऊपर की तरफ पुश किया और उसकी डिटेल को डीसेलेक्ट। तो मेन जो यहाँ पे पार्ट था फेस का वो मैंने आपको ठीक करके दिखा दिया है। सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे इस वाले फेस पे भी काम करूँगा, बाकी बैकग्राउंड पे भी इसी तरह से काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दूँगा, क्योंकि अब यहाँ पे टेक्निक थोड़ा सा सेम ही होगी जो मैंने अभी तक यहाँ पर बाकी के फ़ोटो पर वर्क किया। बस आपको सही टूल का यूज़ पता होना चाहिए कि किस जगह पर कौन सा टूल आपको यूज़ करना है, आप अच्छे से वर्क कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे क्लोन स्टैम्प का यूज़ नहीं किया है, बट मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा उसे कहाँ पे यूज़ करना है, तो देखते रहिए। अभी जैसे इस जगह पे मुझे क्रैक हटाना है, लेकिन ये यहाँ पे अच्छे से रिमूव नहीं हो रहा है, कलर उसमें काफ़ी लाइट आ रहा है। तो ऐसे में मुझे यहाँ पे क्लोन स्टैम्प यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेम कलर को कॉपी पेस्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे लिया क्लोन स्टैम्प और सोर्स लिया मैंने यहाँ डार्क एरिया से और के साथ क्लिक और पेंट किया इस जगह पर। तो इससे आप सेम टू सेम वर्क कर सकते हैं। इसके बाद में बाहर का एरिया आपने यहाँ से सोर्स लिया और पेंट किया इस जगह पे, तो आउटलाइन भी बिल्कुल सही रहेगी और अंदर का टेक्सचर भी बिल्कुल सही रहेगा। बाकी इसको रिमूव करने के लिए मैं हीलिंग ब्रश यूज़ करूँगा, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे भी। सारा डिपेंड करता है आपकी डिटेल पे, आप कितना डिटेल में इमेज को ठीक करना चाहते हो, आप कर सकते हो, बस टूल्स आपको पता होना चाहिए।
तो इमेज आपकी कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगी, ये आपकी ओरिजिनल इमेज और ये जो अभी हमने रिकवर की, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे अभी आपको पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे रिमूव किया गया है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे इमेज देखी है। मेन चीज़ है इमेज में से डैमेज और क्रैक्स हटाना। ऐसा करते समय थोड़ा बहुत चेंजेस आपकी इमेज में आएंगे, जैसे आपकी इमेज यहाँ पे ओरिजिनल दिख रही है उसमें से थोड़े बहुत चेंजेस आपकी इमेज के अंदर आएंगे, लेकिन आपकी इमेज यहाँ पे सही दिखेगी फिनिश होने के बाद में। मैं बाकी का पोर्शन भी यहाँ पे सही करता हूँ। बैकग्राउंड के क्रैक्स को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया स्पॉट हीलिंग ब्रश, जो कि ऑटोमेटिक काम करता है, ऑटोमेटिक टेक्सचर पेंट करता है, ऑटोमेटिक कलर को भी बैलेंस करता है। तो बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ध्यान नहीं देना उसके टेक्सचर पर, जितना कि मैंने यहाँ पे फेस पे ध्यान दिया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसी टूल को यूज़ कर ले रहा हूँ। कई बार ये सैम्पल गलत जगह से भी पेस्ट करता है, क्योंकि ऑटोमेटिक वर्क करता है और ऑटोमेटिक चीज़ हमेशा परफेक्ट नहीं होती। मैन्युअली आप काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से करना चाह रहे हो। तो इतना मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इसका सही कर दिया है। अब इसी बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे नीचे भी और इसके ऊपर वाले एरिया में भी यूज़ करूँगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया क्लोन स्टेम और ब्रश को बड़ी करके मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया। ऑल्ट के साथ में क्लिक, ये सैम्पल आ गया इसमें ये, और इसको पेंट करूँगा मैं यहाँ पर आके। मैंने ओपेसिटी कम की थी क्लोन स्टेम की, वापस बढ़ा ली, ऑल्ट के साथ में क्लिक, और इस तरह से आप पेंट कर सकते हो। तो क्लोन स्टेम का अपना अलग यूज है, हर एक टूल अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो ये है इमेज फाइनल रिकवर होने के बाद में, और ये है हमारी ओरिजिनल इमेज जिसमें सारे क्रैक्स हैं, पूरी तरह से डैमेज है, और ये ठीक करने के बाद में। इसी तरह से आप अपनी पुरानी बाकी की फ़ोटोज़ को भी सही कर सकते हो, और अगर उन
कलर करना है तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर में करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊँगा। और ऑलरेडी आपने काफ़ी सारे कमेंट्स मेरी वीडियोस पे किए हैं जिनमें आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स मुझे बताए हैं, तो सारे मैंने कमेंट्स आपके पढ़े हैं और उन सभी टॉपिक्स पर मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं वो सारी वीडियोज़ भी लेके आने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ में, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाली इस तरह की वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिससे कि उन तक भी वीडियो पहुंच सके और वो भी फोटोशॉप सीख सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली किसी एक और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए काम करते रहिए और हमेशा ही कुछ नया सोचिए। गुड बाय।